हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा जो वन शॉट का चैप्टर है वो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। जैसे आप लोगों को पता होगा, लास्ट चैप्टर जो मैंने पढ़ाया था वो कौन सा था, वो था सर्कल्स का। अब यहाँ जो चैप्टर है वो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, मतलब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्कल के जो भी एरियाज के रिलेटेड है उसके बारे में। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इस चैप्टर में से आपको 4 मार्क्स का सम पूछते हैं। आप लोगों को एग्जाम के अंदर 4 मार्क्स तक ये सम पूछते हैं, तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखना। मैं अकॉर्डिंग टू GSEB इसको पूरा कंप्लीट कर दूंगा ताकि आप लोगों को वन शॉट में कंप्लीट प्रैक्टिस पूरी मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। पहला देखो, पहले तो मैं फॉर्मूलास, ये पूरा चैप्टर फॉर्मूलास के बेस्ड है। ऐसा नहीं है कि इसमें फॉर्मूला बहुत सारे हो गए। यस, फॉर्मूला है। जैसे सरफेस एरिया में वॉल्यूम में आप लोग देखोगे जैसे उसमें फॉर्मूलाज आएंगे, वैसे इस चैप्टर में भी काफी फॉर्मूलाज है। डोंट वरी, मैंने प्लान किया है कि भाई मैं आपको फॉर्मूला शीट प्रोवाइड कर दूंगा। अब अगर वो चीज आपको चाहिए तो जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा आप लोग को भाई, और दूसरी बात टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल का नाम भी क्रिएट एजुकेशन क्लासेस ही है, ज्वाइन कर लो, PDF आपको सारी मिलती रहेगी। अब चलो देखते हैं पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल अ रिव्यू। ये टॉपिक है तो मैंने इस बार टॉपिक वाइज ही आपको बताता हूं। तो आपको सबको पता है पेरीमीटर किसको बोलते हैं, व्हाट इज एक्चुअली द पेरीमीटर, पेरीमीटर होता क्या है। अल्लाह साहेब, ये तो क्या हुआ, आपने साहेब आवता आओ सर्कल पाड़ता ने हमने मजा आवता, एवं कहे हुई ने, ऐसा है वही है भाई, मस्त सर्कल बनाओ। तो ये जो सर्कल की बॉर्डर होती है उसको आइदर हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं, या तो नया वर्ड सुना होगा सर्कमफेरेंस। बच्चा लोग क्या बोलेंगे इसको, इसको हम लोग बोलेंगे सर्कमफेरेंस। दूसरा इसका भी फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला आप लोग नोट डाउन करते जाना, आपको काफी काम आने वाला है। तो सबसे पहला फॉर्मूला यहां बनता है सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस या पेरीमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, दोनों सेम ही है, नहीं तो कोई बोला साला पेरीमीटर ने सर्कमफेरेंस में हो तफावत हूं, तफावत कहीं नहीं, जो सर्कमफेरेंस होता है वही पेरीमीटर होता है। बोथ द थिंग्स आर इक्वल, ठीक है, दोनों ही सेम है। तो सर्कमफेरेंस बोलो या पेरीमीटर ऑफ सर्कल बोलो, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल और सर्कल इज इक्वल टू, फॉर्मूला हो जाएगा 2πr और दूसरा हो जाएगा पाई डी। दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला आप लोग चल सकता है। सेकेंडली उसके बाद बात करता हूं मैं सेकेंड फॉर्मूला की, तो आता है एरिया ऑफ सर्कल। ये क्या आतो साहब बदाने मौ पर, ये ऑलमोस्ट सबको पता होगा, मुझे इसको बताओ नहीं बताओ फिर भी बोलोगे अला साहब बदाने आवड़े थे। तो भाई एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। क्या है एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। अब ना एक नई चीज आई है वो भी आपको जरा बताऊं। देखो एक सर्कल होता है, अगर उसके मैंने 4 पार्ट कर दिए, तो जैसे एक पिज्जा का टुकड़ा होता है उसके मैंने 4 पार्ट किए, तो वो कैसे होता है, कुछ ऐसे होता है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं हम लोग बच्चा लोग, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट। तो यही क्वाड्रेंट जो होता है ना उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे बच्चा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट सर्कल। अब क्वाड्रेंट मतलब क्या, एक भाग, मतलब 4 भाग का एक भाग जो होगा, सर्कल के 4 पार्ट के, तो एक भाग को बोलेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट सर्कल। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो पूरे सर्कल का क्या था, पाई आर स्क्वायर, उसका चौथा भाग मतलब कितना हो जाएगा, 1/4। एज सिंपल एज दैट। तो आपको ये तीन फॉर्मूला अभी अपने मगज में रखने के है गे, तो मगज में रख लियो, अपने आगे जाके इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, एकदम आपके दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लो। देखो इसमें ना मार्क स्कोरिंग बहुत होता है, थोड़ा लवारा भी करेंगे बीच बीच में। मार्क स्कोरिंग कैसे होता है पता है, अगर आप फॉर्मूला लिखोगे ना और वैल्यू रख दोगे, गारंटी आपको मार्क्स मिलेगा। आपको भले स्कूल में ऐसा बोलते हैं इधर मार्क्स नहीं मिलता है उधर मार्क्स नहीं मिलता है, लेकिन अंदर की बात है मेरे पास, अंदर की बात क्या पता है, जो चेक करने जाता है ना उसको कभी पूछना कि सर फॉर्मूला ने वैल्यू रखने तो मार्क्स मिले कि नहीं, पक्कू मिले। केम के छे ने, कोई भी सोचो, अगर 4 मार्क का सम होगा, अगर आपको फॉर्मूला और वैल्यू के मार्क्स देगा
तो ही तो आपका मार्क्स बढ़ेगा। देखो फॉर्मूला का मार्क्स होता है, वैल्यू का मार्क्स होता है, स्टेप्स का मार्क्स होता है, और बाद में आंसर का मार्क्स होता है। आंसर सिर्फ एक मार्क्स का होता है, आंसर सिर्फ एक मार्क्स। इसलिए फॉर्मूला एकदम अच्छे से पास होना है ना, फॉर्मूला कर दो, भले ही सम का आंसर नहीं आएगा, जाने दो तेल लेने, मैं तो ऐसा बोलूंगा, लेकिन फॉर्मूला अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो ये चार अभी तीन फॉर्मूला याद रखो, इसके बाद अपने और आएंगे, वन शॉट है, बहुत मिलने वाले फॉर्मूलाज अभी तो। चलो 12.1 स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चा। द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल विच हैज अ सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल। देखो ये आपको सर्कमफेरेंस के इजी सम तो देगा नहीं, कि रेडियस रखो आंसर लाओ, ये रखो आंसर लाओ, ऐसा तो नहीं देने वाला, थाली में परोस के मस्त खा पी के तगड़ा बन के ऐसा तो रहेगा नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, तो देखो यहां पर सम समझते हैं, क्वेश्चन समझते हैं। द रेडियस ऑफ टू सर्कल 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल विच हैज द सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल। मतलब एक सर्कल का एक ऐसा सर्कमफेरेंस है क्या कि उसका रेडियस इसके साथ क्या हो जाएगा, सम हो गया। मतलब समझाता हूं, दो छोटे सर्कल को कंबाइन किया, दो छोटे सर्कल को कंबाइन किया तो एक बड़ा सर्कल बना, एक बिग सर्कल बन गया, बिग बुल स्कैम देखिए ना, बराबर। तो एक छोटा सर्कल दूसरा छोटा सर्कल उसको कंबाइन करो, क्या बनेगा, मेरा हाथ मूवमेंट देखते रहना, मेरा चेहरा भी अच्छा दिखता है, तो दोनों को कंबाइन किया तो एक बड़ा सर्कल बनेगा। तो बड़ा सर्कल बना है तो उसका इस बड़े सर्कल का रेडियस कितना होगा। अब दोनों सर्कल को अगर दोनों सर्कल का क्या कंबाइन करना है, सर्कमफेरेंस कंबाइन करना है। देखो कैसे करेंगे, लेट, चलो शुरुआत करते हैं सम की। लेट लेट रेडियस ऑफ सर्कल आर वन रखते हैं बच्चा, आर वन 19 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सर्कल आर टू, क्या करते हैं इसको हम लोग लगते हैं 9 सेंटीमीटर। और भाई फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल विच हैज द सर्कमफेरेंस, और जो रेडियस ऑफ बिगर सर्कल बोलते हैं, ठीक है उसको हम बिगर सर्कल, उसको कैपिटल आर रख देते हैं, वो पता नहीं है। नाउ क्वेश्चन में देखो कंडीशन दी है, क्या कंडीशन है, द सम ऑफ टू स्मॉलर सर्कल, सम ऑफ किसका सम, देखो गलती हो जाएगी, सम ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल्स इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ बिगर सर्कल। देखो स्टेटमेंट भी लिखवा रहा हूं ताकि आप लोग एग्जाम में जाके कोई गला मथल नहीं करके आओ, गलती नहीं करके आओ। तो देखो कंडीशन क्या बनेगी, कंडीशन बनेगी 2πr, है ना, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला। मैं हमेशा बोलता हूं जो दिया है उसको यूज करो बच्चा, जो दिया है उसको यूज करो। सो 2πr इज इक्वल टू 2πr1 प्लस 2πr2, मतलब एक बड़ा सर्कल दो छोटे सर्कल के सर्कमफेरेंस मिला के बना। सो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर 2πr, देखो यहां से 2π कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा r1 प्लस r2। सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2πr, 2π आके डिवाइड हो जाएगा। सो r1 की वैल्यू कितनी थी, r1 की वैल्यू बच्चा लोग कितनी ली थी आप लोग ने, 19 और 9, तो कितना हो जाएगा 19, और ये कितना हो जाएगा 9, पाई पाई कट, तो देयरफॉर रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस आपका हो जाएगा 19 प्लस 9 कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। मतलब रेडियस कितना आ गया बच्चा लोग, रेडियस आ गया 28 सेंटीमीटर। आया समझ में, बहुत ही सिंपल सम है, आपको कुछ इसके अंदर करना नहीं है, बड़ा ही सिंपल था। देखो इसके बाद का भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन वहां पर कुछ एरिया है। देखो द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग
इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल. वहां पर क्या बोला था, सम ऑफ सर्कमफेरेंस, यहां पर क्या बोला है, सम ऑफ एरिया. तो देखो इसको भी सेम आएगा, थोड़ा डायरेक्ट लिखूंगा अब यहां पर. वहां स्टेटमेंट लिखने बताया, देखो यहां पर आर वन ले लो, वहां पर आप पूरा मेंशन करोगे 8 सेंटीमीटर, आर टू ले लो 6 सेंटीमीटर, रेडियस भाई पता नहीं है. देखो स्टेटमेंट लिखता जाऊंगा, टाइम जाएगा, वन शॉट है, काफी लंबा होने वाला है, तो आप स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से देखना. आर वन आर टू फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल हैविंग, तो वही चीज है यहां पर, शॉर्ट में बताता हूं. एरिया ऑफ बिगर सर्कल, बिगर सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ, एरिया ऑफ टू स्मॉलर, स्मॉलर सर्कल. ठीक है बच्चा लोग, देखो गलती मत करना. आप अगर कमेंट में पूछोगे सर एग्जाम में हम ऐसा लिख सकते, मैं ऐसा चाहूंगा कि आप थोड़ा स्टेटमेंट के साथ लिखो. आपड़ा बड़ा मुझे ना भाई घाई राइट, स्टेटमेंट नहीं देखो, मार्क्स का पड़े गीवन में बराबर बटाई ना ठीक, गीवन तो गीवन का भी मार्क्स उड़ा लेते हैं. इट्स बेटर कि आप अच्छे से उसको गीवन में दिखा देना. ठीक है, तो यहां तो अपने भाई समझ रहे, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे, कॉन्सेप्ट इज पावर. एरिया ऑफ बिगर सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर. एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर वन स्क्वायर प्लस पाई आर टू स्क्वायर. सर आओ कैम भाई, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला सिखाया था पाई आर स्क्वायर, तो वही चीज है. तो देखो पाई आर स्क्वायर, पाई कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा, आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर. सो पाई आर वन स्क्वायर अपॉन पाई, आर वन की वैल्यू कितनी है, आर वन की वैल्यू है 8, आर टू की वैल्यू कितनी है, आर टू की वैल्यू है 6, पाई पाई कट. तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 64 प्लस 36, कितना हो जाएगा 64 प्लस 36. तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 100, तो आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा रूट 100, तो रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा 10. देखो ऐसे ही करने हैं, और ये सम्स आपको एग्जाम में पूछ भी सकते हैं. आप सोचोगे सर चार मार्क ऐसे में कैसे मिलेंगे, मिल सकते हैं, क्यों नहीं मिल सकते, गिवन दिया, फॉर्मूला लगाया, सिंप्लीफाई किया, आंसर आया, क्या प्रॉब्लम है चार मार्क्स आने में. भाई चार मार्क कैसे समझो, कितनी बार बड़े ही हो, छोटे भी याद आ सकते हैं. अभी तो नया वेटेज आया नहीं है, नया वेटेज आएगा तब क्या गुल खिलाते वो देखते हैं हम लोग. चलो नेक्स्ट सम पे चलते हैं. भाई ये सम काफी लंबा है, इसको ध्यान से समझना. फिगर डिपिक्ट्स एन आर्करी ट्रेडमार्क विथ अ फाइव स्कोरिंग रीजन फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड. थोड़ा पानी पी लेंगे, एनर्जी गेन करेंगे. एज गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट, द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड इज 21 सेंटीमीटर, ईच ऑन द अदर हैंड इज 10.5 सेंटीमीटर. फाइंड द एरिया ऑफ फाइव स्कोरिंग रीजन्स. देखो यार ना थोड़ा कैलकुलेशन आप पे छोड़ूंगा, आधा मैं करूंगा, आधा आप खाएंगे, मिल बांट के दोनों खाएंगे, बिकॉज कैलकुलेटिंग करने में इसमें टाइम कंज्यूमिंग है. तो कैलकुलेशन में बताऊंगा कैसे करनी है, आप करके कमेंट बॉक्स में डालोगे, मेरे को मजा आएगा. कमेंट बॉक्स में यार डालते नहीं हो, दो चार जन डालते हैं, डाला करो, मैं पढ़ता हूँ कमेंट, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं पढ़ता हूँ, देखता हूँ कौन अच्छा कर रहा है, तो कमेंट जरूर करना सारे आंसर्स. चलो शुरू करते हैं. देखो हमारे को है ना एक आर्चरी, बहुत बच्चे लोग ने खेला भी होगा, मेरे जैसे हो गए बेचारे, जिसे नहीं खेला हो तो कोई बात नहीं, कभी खेल लेंगे लाइफ में. मार्क इज अ फाइव स्कोरिंग रीजन, पांच स्कोरिंग रीजन है, मतलब गोल्ड सिल्वर ऐसा मारते ना जो भी आप जैसे. फाइंड द डायमीटर ऑफ, अब देखो गोल्ड का डायमीटर दिया है हम लोग को, क्या बोला है, ईच बैंड विथ ऑफ 10.5 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन. तो देखो सबसे पहले हम लोग गोल्ड से चालू करते हैं, ठीक है, फॉर हम लोग चालू करते हैं गोल्ड से, फॉर गोल्ड रीजन, ध्यान से देखना, फॉर गोल्ड रीजन. ठीक है, तो गोल्ड रीजन के लिए भाई हमारे पास जो डायमीटर है उसको D1 रखते हैं, D1 D2 ऐसे जाएंगे, या तो एक काम करो DG रखते हैं, DG मतलब डायमीटर ऑफ गोल्ड. तो डायमीटर ऑफ गोल्ड कितना है, डायमीटर ऑफ गोल्ड है 21 सेंटीमीटर. सेकेंड लेते हैं, उसके बाद कौन सा है, नेक्स्ट है वो वेट, वाइट क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ. वाइट नहीं, वाइट तो अलग था, खोटा बाघा नहीं मरा होता, मारा भी बाघा आगे है. 10.5 मतलब वो क्या है वो बाद में समझाता हूँ. तो डायमीटर ऑफ गोल्ड कितना है 21, तो रेडियस RG रखते हैं, है ना, RJ नहीं RG, 21 अपॉन कितना आ जाएगा 2.
सबसे पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, ठीक है, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन सो कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। सो पाई कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा 22/7 इंटू 21/2 इंटू कितना आ जाएगा 21/2। सो 7 1s 7 3s 2 1s 2 11s, ठीक है। सो बच्चा पार्टी इसका आंसर कैसे आएगा साहेब, इसका आंसर आओ से बे मिनट हमड़ा उसे। सो 11 × 3 इंटू कितना आ जाएगा 21, 11 × 3 × 21 तो अपॉन कितना है अपॉन 2। तो इसका आंसर आपका कितना आएगा, देखो 21 है तो 1 + 2 + 1 = 3, सो 231 इंटू हो जाएगा 3। देखो ये 11 से मैंने 21 को मल्टीप्लाई किया है अपॉन 2, सो 3 1s 3 3 3s 9 3 2s 6 693 अपॉन 2। तो 693 अपॉन 3, सो इसको अगर आप डिवाइड करोगे बच्चा पार्टी, देखो मैंने ना ऑलरेडी सॉल्व करके रखी है कुछ चीजें ताकि आपको टाइम कंज्यूमिंग ना हो, डिवाइड करोगे बच्चा तो 346.5 मीटर है कि सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट है। हाँ बच्चा राइट है, लेकिन मार्क्स जाने के चांस है, रेडियस का यूनिट कौन डालेगा। देखो छोटी छोटी बात, अगर 90 प्लस जाना है तो छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते चलना, छोटी छोटी बातों को। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अरे अभी तो बहुत बाकी है भाई, अभी तो बहुत बाकी है। देखो नेक्स्ट कौन सा रीजन है वो जरा देख लो, खाली नेक्स्ट कौन सा रीजन है रेड। तो देखो मैं एक फिगर बनाता हूं ताकि आपको समझा सकूं, एक हो गया अपना गोल्ड, दूसरा उसके बाहर का रीजन हो गया रेड, ठीक है। सो हमें फाइंड करना है ये रेड कलर का रीजन, मतलब ये वाला एरिया हमें निकालना है, ठीक है। ये मैं जहां लाइनिंग बना रहा हूं ना, ये वाला एरिया हमें निकालना है। तो देखो कैसे निकालोगे, फॉर रेड कलर, रेड कलर के लिए। तो देखो रेड कलर के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चा पार्टी, सबसे पहले तो भाई आर जी है, आर जी कितना है 21/2, इसका मतलब कितना हुआ 10.5। लेकिन रेड कलर का रीजन का रेडियस है नहीं है, लेकिन उसके लिए एक चीज है, क्या है सर, वो जो मैंने विद की बात की ना, मतलब ये जो विद हुआ ना, ये विद हुआ मतलब ये डिस्टेंस 10.5 है, इसलिए ब्लू कलर से कर रहा हूं ताकि आपको समझा सकूं। तो देखो ये डिस्टेंस, ये यहां पर कौन सा कलर दिखेगा, आई थिंक येलो दिख जाएगा। देखो ये वाला जो डिस्टेंस है, सॉरी ये नहीं, ये अलग हो गया, ये वाला, ये रेड और गोल्ड के बीच में जो गैप है ना, वो 10.5 का है, कितने का है 10.5 का, और यहां से सेंटर से लेकर यहां तक और 10.5 है ना वहां पर, और अपनी लंबड़ी वाली फिगर में जाएंगे, मतलब ये 10.5 और ये सेंटर से और 10.5 है ना, क्योंकि ये गोल्ड कलर का है, तो गोल्ड कलर का रेडियस कितना है 10.5, तो 10.5 10.5, तो ये टोटल एक रेडियस बनेगा, ये पूरा एक रेडियस बनेगा। रेडियस की डेफिनेशन याद है ना आप लोगों को, मैंने बताई थी, एक पॉइंट सेंटर पे, दूसरा पॉइंट सर्कल पे, देखो एक पॉइंट सेंटर पे दूसरा पॉइंट। तो अगर हम लोग को आर आर चाहिए, मतलब रेडियस ऑफ रेड कलर, तो आर आर कितना हो जाएगा 10.5 प्लस कितना करना पड़ेगा 10.5, तो कितना आंसर आ जाएगा 10.5 10.5 21, हो गया एकदम सिंपल। लेकिन इसका एरिया कैसे निकालने का, तो देखो कोई भी चीज का, जैसे मैं मान लो एक एग्जांपल देता हूं, एक स्क्वायर है और उसके अंदर एक सर्कल है। अब मैं बोलता हूं इस स्क्वायर का एरिया 4 सेंटीमीटर है और इस सर्कल का एरिया 3 सेंटीमीटर है, तो आप लोग क्या करोगे, अगर ये आजू बाजू का एरिया अगर निकालना है, मैं बोल रहा हूं ये आजू बाजू का एरिया निकाल के बताओ, तो आप लोग क्या करोगे, अंदर बाहर का एरिया माइनस अंदर का एरिया, आपको बची हुई स्पेस मिल जाएगी, बस तो आपको वही करना है, आपको क्या करना है, बाहर का एरिया माइनस अंदर का एरिया। अब अंदर का गोल्ड का एरिया आ चुका है, गोल्ड का एरिया कितना है, गोल्ड का एरिया तो आप निकाल चुके हो, गोल्ड का एरिया आपका कितना आया था 346.5, आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, रेड कलर का निकालना पड़ेगा, बड़ा सिंपल है, क्योंकि रेड कलर का एरिया मिल जाएगा, उसमें से रेड कलर के एरिया में गोल्ड ने कितनी जगह रोकी है वो निकाल दो, तो बचा हुआ एरिया किसका होगा, बचा हुआ एरिया होगा वो जो रेड कलर है उसका। तो आप कैसे करोगे, देखो एरिया ऑफ
रेड कलर, ऐसा करते हैं ठीक है, एरिया ऑफ रेड कलर रीजन आउटर सर्कल, मतलब आउटर सर्कल मतलब ये बाहर का, तो पाई पाई आर आर स्क्वायर माइनस इनर सर्कल अंदर का सर्कल करते हैं पाई आर जी स्क्वायर। अब देखो पाई आर जी स्क्वायर की तो आप वैल्यू लाकर रखे हो, लेकिन मेरे पास एक और मेथड है जो इजी रहेगी। देखो क्या करो, देखो यहां कौन सा यूज किया, कंफ्यूज मत होना कि कभी भी ऐसी कंडीशन में क्या करने का, आउटर एरिया माइनस इनर एरिया मतलब बाहर का एरिया, जैसे कि मैं मान लो मेरे हाथ को देखो, मेरा मुंह जहां दिख रहा है आप लोग को, जैसे कि मेरा एक हाथ है, मैंने कभी मेहंदी लगा ली यहां पर, तो मैं बोलूंगा मेरे व्हाइट कलर मतलब मेरा हाथ व्हाइट है, व्हाइट व्हाइट है, तो मैं व्हाइट कलर का रीजन कौन सा है, तो आप क्या करोगे मेरे पूरे हाथ का एरिया निकालोगे, उसमें से मेहंदी का एरिया माइनस कर लोगे, तो बचा हुआ क्या मिलेगा, जो मेरा व्हाइट कलर का जो मेरा हाथ है वो। बस वैसी ही चीज है, पूरा सर्कल है उसके बीच में गोल्ड ने एरिया रोक लिया है, तो बचा हुआ एरिया किसका होगा, बचा हुआ एरिया ये रेड कलर का होगा बच्चा लोग। तो ये रेड कलर का एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आउटर मतलब जो बाहर का जो सर्कल है बड़ा, उसमें से गोल्ड का एरिया क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब देखो वो है ना कंफ्यूजिंग है, तो मैं उसके लिए इजी ट्रिक बनाइए, क्या करो ऐसा लिख दो जैसे मैंने लिखा है, पाई कॉमन निकालो, तो क्या हो जाएगा आर आर स्क्वायर माइनस पाई आर जी स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा 22/7, उसको तो रख ही देने का, लेकिन ये देखो ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां पर एक मिनट कुछ अला हाँ, ये है आपका, ये पाई नहीं आएगा, गलती से यहां लग गई थी, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब आप लिख सकते हो पाई आर आर प्लस पाई आर जी, और ये हो जाएगा आर आर माइनस क्या हो जाएगा आर जी। देखो आर 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 जी इसलिए लिखा है ताकि हम लोग को याद रहे हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब किसका कर रहे हैं ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22/7 इंटू ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 21 प्लस 10.5, और ये कितना हो जाएगा 21 माइनस 10.5। सो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 इंटू 21 प्लस 10.5, 21 प्लस 10.5 तो कितना आएगा 31.5, कितना आएगा 31.5 इंटू इसका कितना आएगा, इसका आ जाएगा 10.5, इसका तो 10.5 आ जाएगा। सो ये कितना हो जाएगा 22/7 इंटू 315/10 इंटू कितना आ जाएगा 115। तो देखो इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 22/7 इंटू 315/10, वो सेम स्टेप यहाँ कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं, 105/10। देखो 7 1 7 15 7 1 7 15 3 5 5 3 5 3 5 2 2 1 2 11। सो देखो अगेन 11 इंटू 315 इंटू 3 अपॉन कितना आ गया 10, से कितना आ जाएगा 33 इंटू 315/10। अब इसको कैलकुलेट करोगे, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे और लिखोगे रेड रीजन, मतलब रेड कलर का रीजन का एरिया कितना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि उस दूसरे बच्चे बेचारे जो मेरे जैसे वीक है उसको भी पता चल जाए कि आंसर क्या आता है ठीक है। तो भाई रेड कलर का रीजन का आंसर मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके भाई जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं पढ़ता जरूर हूं आपको पता है। ओके तो अब हम नेक्स्ट रीजन देखते हैं, नेक्स्ट रीजन कौन सा है, नेक्स्ट रीजन है ब्लू। तो देखो ब्लू रीजन के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चा पार्टी, पहले भी हमारे दो सर्कल जैसे थे वैसे दो सर्कल बना लेते हैं ठीक है। अब देखो ऑलरेडी अंदर का हमारे पास 10.5 है, अंदर का हमारे पास 10.5 नहीं है, इस बार कितना है, इस बार 21 है, और बाहर का और 10.5, बाहर का विथ तो हम लोग को बोला है ना, सबके बीच में जो गैप है वो गैप बढ़ता नहीं है, गैप 10.5 का ही है। तो हमको कितना करना पड़ेगा, अगर मुझे ये ब्लू कलर का रेडियस चाहिए तो ये ब्लू कलर तक का रेडियस चाहिए तो कितना आ जाएगा 31.5 है ना। देखो यहां पर कैसे लिखोगे, फॉर ब्लू कलर ब्लू रीजन ठीक है, फॉर ब्लू रीजन रेडियस इज इक्वल टू आर 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 तो 21 सेंटीमीटर मिला हुआ है, आर बी कितना करना पड़ेगा, आर बी करना पड़ेगा 21 प्लस कितना करना पड़ेगा 10.5 ठीक है बच्चा पार्टी। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ब्लू रीजन
ब्लू रीजन कितना है, एरिया ऑफ ब्लू रीजन कितना होगा, तो एरिया ऑफ ब्लू रीजन क्या हो जाएगा, आउटर माइनस इनर। अब यहां पर आउटर कौन सा है, यहां पर आउटर ब्लू है और यहां पर कौन सा है, रेड। सो क्या हो जाएगा, पाई आर आर, सॉरी आर आर नहीं, क्या आएगा, आर बी, गलती मत करना, माइनस पाई आर आर स्क्वायर। अब आप लोग सोचोगे साहेब इजी मेथड बताओ तुमने, आर आर नो तो एरिया छे, आप ऐसा सोचोगे, आर आर का एरिया है, आर आर का एरिया मेरे को ब्लू कलर में से माइनस करने दो ना सर। देखो आप ब्लू कलर का फाइंड करोगे, फिर माइनस करोगे, फिर करते जाओगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास रेड कलर तो ऑलरेडी है, वो भी चल सकता है, लेकिन मेरे को ये इजी क्यों लगता है, क्योंकि आपको बताता हूं, देखो एक चीज बताता हूं, अंदर की बात है, ट्रिक है, देखो पाई आर बी स्क्वायर माइनस आर आर स्क्वायर, सो पाई, पाई की वैल्यू तो भाई रखी दो, 22/7 बोली नहीं इसलिए है ना, 22/7 मैं चेक कर रहा था बोला है कि नहीं, बिकॉज अब मेरे सामने क्वेश्चन नहीं, इसलिए मेरा क्वेश्चन ही आ रहेगा साइड पर, आर बी मतलब आर बी प्लस आर आर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आर बी माइनस आर आर। सो देखो यहां पर अब क्या करना पड़ेगा, यहां पर अब आपका 22/7 अभी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 प्लस, ये देखो मैंने यहां कंप्लीट नहीं किया, बोल दिया था 31.5 सेंटीमीटर है ना, तो ये 31, एक काम करो एक ही मिनट, हाँ ये आपका हो जाएगा 31.5 सेंटीमीटर, और आप यहां पर 31.5 सेंटीमीटर प्लस 21 सेंटीमीटर करो, और यहां पर उसका जो दूसरा, इसको मैं इरेज कर देता हूं, इसको सिर्फ आपके समझने के लिए लिखा था, कोई लिखना चाहे तो स्टार्टिंग में लिख लेना, वीडियो स्टार्ट हो तब रिवाइंड मार के। सो ये कितना हो जाएगा, ये बच्चा पार्टी आपका हो जाएगा 31.5 इनटू कितना हो जाएगा, आर आर कितना हो जाएगा, माइनस करने पर 21 सेंटीमीटर। अब देखो अगर आप इसको प्लस करते हो तो 22/7 इनटू 31 और 21, तो ये 1 मतलब 2 और ये कितना आएगा 52, बराबर है ना, 1 प्लस 1 2 और 3 प्लस 52.5 और इनटू फिर से ये 10.5 और ये अगेन 22 इनटू 525 अपॉन 10 इनटू 105 अपॉन 10। कुछ समझ में आ रहा है, कुछ कनेक्ट कर पा रहे हो, मैं आपको कनेक्ट करवाऊंगा, अगर नहीं कर पा रहे हो तो डोंट वरी, मैं आपको कनेक्ट करवाऊंगा। देखो 22/7 इनटू कितना हो जाएगा 525 अपॉन 10 इनटू 105 अपॉन 10। सो देखो 7 वन्स आ और ये कितना हो जाएगा 715 आ, 53 जा 52 जा 21 जा 211 जा, कुछ कनेक्ट हुआ, 11 इंटू 525 इंटू 3 अपॉन कितना आ रहा है 10। मींस देखो वहां पर भी है ना 11 इंटू 3 सिर्फ बीच वाला 315, मतलब देखो इतना पार्ट तो सब में सेम ही आ रहा है, ये पार्ट तो ऑलरेडी आप लोग को सबको सेम आ रहा है ना, ये पार्ट सिर्फ बीच की ब्लू कलर से करता हूं, सिर्फ ये वैल्यू चेंज हो रही है। कहने का मतलब इजी क्या हो जाएगा, अगर आप 33/10 की वैल्यू, कहने का मतलब 33/10 मतलब 3.3 को अगर इससे मल्टीप्लाई कर दो तो वो मिल जाएगा, मतलब 3.3 टाइम से वो बढ़ रहा है, कहने का मतलब, मतलब आप अगर वो फाइंड कर लो और 3.3 टाइम से मल्टीप्लाई कर दो तो भी आपका आंसर रेडी है, कितना मतलब इजी बना दिया मैंने। देखो आप एरिया निकालोगे, कैलकुलेट करोगे, फैलकुलेट करोगे, इतना सारा करोगे, इट्स बेटर। चलो बच्चा आपका काम शुरू होता है यहां पर, इसका आंसर कमेंट बॉक्स पर, भाई कमेंट करना, कंजूसी मत करना, प्रैक्टिस कर रहे हो तो पूरी करना, कमेंट करके जरूर बताना ब्लू कलर कितना है। आगे चलते हैं, ब्लू कलर के बाद कौन सा कलर है, ब्लू कलर के बाद है ब्लैक कलर, ब्लू कलर के बाद कितना है, ब्लू कलर के बाद है ब्लैक कलर, ओके ठीक है, यहां पर आते हैं। देखो सो भाई यहां पर आप देखो, ये हो गया अपना एक और सर्कल, एक और सर्कल, अब मैं आप पे छोड़ता हूं, कॉन्सेप्ट तो समझ गए हो, अंदर का एरिया माइनस बाहर का एरिया कर लोगे, मैं जानता हूं आप लोग करोगे यार, क्रिएटिव वाले हो, इतने एक्सपर्ट हो, लिखोगे, मेरी फैमिली में आते हो तो भाई कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मेरे जैसे वीक स्टूडेंट्स को भी पता करने दो कैसा चलता है, बेचारे कितने वीक स्टूडेंट भी देख रहे होगे, मैं जानता हूं किसी को बाउंसर भी लग रहा होगा, तो थोड़ा रिवाइंड करके फिर से देखना यार,
कंजूसी मत करना, देखने में आपको ही भला है, कर भला हो भला, ठीक है। चलो तो ये वाला रीजन कौन सा है, ये वाला रीजन है ब्लू। ये वाला कौन सा है, बी के रखते हैं, पी के टुल्ली नहीं, बी के ब्लैक कलर। तो देखो ये जो सेंटर है इसका ऑलरेडी कितना है 31.5। अब बच्चा पार्टी इसमें कितना प्लस करना पड़ेगा, इसमें साहब 10.5 प्लस करना पड़ेगा, है ना। तो इसमें अगर 10.5 अगर आपको प्लस करना पड़ेगा ये ब्लैक कलर के लिए, ये ब्लैक कलर के लिए 10.5 प्लस, तो मैं रेडियस निकाल के देता हूं, कॉन्सेप्ट आप लोग सॉल्व करना। देखो रेडियस ऑफ ब्लैक कलर, बी मतलब ब्लैक, अरे सॉरी बी मतलब ब्लू 31.5, और ब्लैक के लिए हम लोग रखते हैं बी के, बी के कितना हो जाएगा, बी के हो जाएगा आपका 31.5 प्लस कितना हो जाएगा 10.5, सो कितना आ जाएगा 42 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 42। अब बच्चा बाटी इसको सॉल्व करना फॉर ब्लैक कलर रीजन, ऊपर लिख के यहां पर फॉर ब्लैक कलर रीजन, ठीक है बच्चा, इसको आप सॉल्व करना, तो आगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट और भी आने वाले हैं, तो इसको कंप्लीट कर देना। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट देखो एक और रीजन बाकी है, रुक जाओ मैं एक पेज ऐड करूं, एक और रीजन अभी भी रहता है। कौन सा रीजन बाकी बच्चा, रीजन जो है वो है व्हाइट कलर, है ना, व्हाइट कलर, और उसके अंदर कौन सा है, उसके अंदर ब्लैक है, मतलब अब जो है ये है बीके, ये है व्हाइट, तो इसका रेडियस कितना आएगा बच्चा पार्टी, आपको देखना पड़ेगा इसका रेडियस, इसका रेडियस, तो इसका तो ऑलरेडी 42 है, 42 में और 10.5 प्लस करना पड़ेगा, है ना। तो देखो बीके का रेडियस तो है ही, बीके का रेडियस है 42 सेंटीमीटर, और भाई आरडब्ल्यू का रेडियस, आरडब्ल्यू मतलब प्लस करना पड़ेगा तो 52.5, है ना, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 52.5 सेंटीमीटर। अब वही इनर सर्कल माइनस आउटर, कमेंट बॉक्स में सबके आंसर लिखना, अगर कंजूसी करोगे तो मजा नहीं आएगा, कंजूसी मत करना, ऐसा खींचे में से आंसर नहीं मांग रहा हूं, प्रैक्टिस करके आंसर मांग रहा हूं, सोचो वन शॉट में आपके दिमाग में पूरा एरिया रिलेटेड टू सर्कल हो जाएगा, क्या मजा आएगा। सर आने दो कोई भी सम फिर तो एग्जाम में, मजा करने वाले हैं हम लोग, अभी तो इसके बोर्ड्स के पेपर ला रहा हूं, क्यों टेंशन लेते हो। चलो तो ये कंप्लीट कर देना, ठीक है। अब अपने नेक्स्ट सम पर चलते हैं, नेक्स्ट सम क्या है, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग जस्टिफाई, अरे हाँ एक और बात, कमेंट में लिखने से पहले भाई आगे लिखना कौन सा रीजन है, तो मेरे जैसा बेचारा देखेगा जो गरीब जिसको समझ में नहीं आता है वो कंफ्यूज हो जाएगा, तो भाई कमेंट में लिखने से पहले बता दियो कि भाई वो रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, व्हाइट है, नहीं ग्रीन तो नहीं है, रेड ब्लू ब्लैक व्हाइट, तो लिखना रीजन का नाम, व्हाइट रीजन ब्लू, मेरे को मजा आता है आंसर पढ़ने में आपका। चलो चलते हैं, और मैंने कॉन्सेप्ट तो बता ही दिया, 11:33 वो तो सेम ही आने वाला है ना कितना मामूली सी बात है, 11:33 11:3 और 10 वो तो सेम ही आएगा, बीच में खाली प्लस कर देने का, क्या जैसे कि अभी लास्ट सम में बताया, क्या प्लस कर देने का, 52.5 प्लस 42 प्लस कर देना, बढ़िया हो जाएगा, मतलब 5 तो कितना आता है देख लेंगे हम लोग, ठीक है ओके 52.5 प्लस 42 करके रख देना। चलो क्या गया नेक्स्ट पर, हाँ ये रहा, तो टिक द करेक्ट फॉलोइंग जस्टिफाई योर आंसर इफ द पेरीमीटर इज एरिया ऑफ न्यूमेरिकली इक्वल एंड द रेडियस ऑफ द, सर आईएमपी दे दो, आईएमपी दे दो, आईएमपी दे दो बोलते हो ना, आने ले लो आईएमपी में कैम, अरे हर साल पूछा है, हर साल एमसीक्यू में कुछ ना कुछ इसका जैसा आया। देखो क्वेश्चन समझाता हूं, पेरीमीटर ऑफ एरिया ऑफ सर्कल इज न्यूमेरिकली इक्वल, मतलब सर्कमफेरेंस जो है, सर्कमफेरेंस मतलब पेरीमीटर जो है, मैं तो बाग्गा पढ़ है साहब, पेरीमीटर की तो सर्कमफेरेंस भागी जाओ जोता जोता, अला भाई सर्कमफेरेंस ने बधु एक अच्छे है ना, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, समझ रहे हो बात को, समझो। तो देखो ये है 2πr, 2πr और ये है आपका पाई आर स्क्वायर, तो 2 इज इक्वल टू पाई इनटू आर इनटू आर, गुणियो आर गुणियो आर एवं लखाए ने अपॉन पाई इनटू आर, आर आर कटवट, पाई पाई कटवट, तो बचा कितना, बच्चा पार्टी बचा आपका 2 सेंटीमीटर, कितना बचा 2 यूनिट, सॉरी यहां पर सेंटीमीटर नहीं है, नहीं तो मारोगे, नहीं तो कमेंट बॉक्स भर देते हो कितनी बार, देखना पड़ता है जरा, कमेंट कम करना मेरी, सो 2
सो कितना आ जाएगा 2। अरे कमेंट में कंजूसी मत करना, या गलती हो जाए तो कमेंट भर दे, तो ऐसा बोल रहा हूँ। तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2। कितना मस्त, अपने एक एक्सरसाइज खत्म हो गई, साहब अजू एक बाकी, बहुत बाकी। ओके, तो अब हम लोग है ना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, जिसका नाम है एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ सर्कल। लेकिन बच्चा लोग, ये टॉपिक में है ना बहुत सारी चीजें अलग अलग है, तो धीरे धीरे आपको समझाऊंगा, हर चीज को देखना। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्टर से, सॉरी आर्क से। मान लो कि हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, उसके आप लोग ने ये पार्ट और ये पार्ट अलग कर दिया, मेन सी ए ये वाला पार्ट अलग कर दिया, ओके, ये वाला पार्ट अलग कर दिया, तो इस पार्ट को हम लोग बोलेंगे आर्क। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे आर्क, मतलब ये लेंथ, इसको डिनोट करते हैं एल से। मतलब आर्क मतलब क्या, सर्कल के दो पार्ट को काट देने का, उसको हम लोग आर्क बोलते हैं। देखो यहां पर लिखा है, एनी पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इट्स आर्क, द लेंथ ऑफ द आर्क इज डिनोटेड बाय एल। मींस एनी पार्ट ऑफ द सर्कल, मतलब सर्कल का कोई भी पार्ट ले लो, उसको काट दो, उसमें से जो पार्ट बनेगा उसको बोलेंगे आर्क। और इसको मैंने याद रखने के लिए एक चीज बनाई है, स्माइल, ठीक है। देखो जब आप स्माइल करते हो, जब आप स्माइल करते हो तो कितना मस्त एक आर्क बनता है ना, तो आपको याद रखने के लिए इसको बोल सकते हो स्माइल, और इसको डिनोट करते हैं एल। अब ये इतना सा तो होगा नहीं है ना, इतनी सी तो चीज होगी नहीं, अब इसकी भी फॉर्मूला आएगी, मतलब इसका भी फॉर्मूला आएगा। तो भाई फॉर्मूला लिख लेते हैं, फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या आ जाएगा इसके अंदर, फॉर्मूला आएगा, सबसे पहले आ जाएगा इसका फॉर्मूला, लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या है, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है पाई आर थीटा अपॉन 180। क्या है फॉर्मूला, पाई आर थीटा अपॉन 180। और दूसरा आता है लेंथ ऑफ मेजर आर्क। अब मेजर आर्क क्या है सर, आपने तो ये समझाया नहीं। देखो ये जो आर्क है ना, उसके दो पार्ट गिरते हैं मेनली, एक होता है माइनर और दूसरा होता है मेजर। तो ये जो फॉर्मूला मैंने बताया ये था माइनर के लिए। दूसरी एक बात, अनलेस एंड अंटिल क्वेश्चन में अगर आपको बोला नहीं गया हो तो डोंट यूज मेजर आर्क, जब तक बोला नहीं है तब तक क्या करने का, माइनर आर्क ही निकालने का। तो माइनर आर्क का, मेजर आर्क का फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो बॉर्डर पर है इसलिए बॉर्डर, पूरी बॉर्डर को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस, मतलब 2 पाई आर माइनस जितना एरिया निकल गया, वो कितना एरिया निकल गया, लेंथ ऑफ आर्क, मतलब पाई आर थीटा अपॉन 180। कितना हो जाएगा, पाई आर थीटा अपॉन 180। आया समझ में, ये हो गया आपका आर्क के बारे में, ये सारी चीजें किसके बारे में थी, आर्क के बारे में। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेक्टर के बारे में। द पोर्शन ऑफ अ सर्कल रीजन एनक्लोज्ड बाय एन आर्क एंड टू रेडियाई एंड पॉइंट्स आर इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ द सर्कल। बिफोर गोइंग इनटू द डीप, मैं एक चीज बता दूं, ये जो सारी डेफिनेशन लिखी है एग्जाम में पूछते हैं इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, वन सेंटेंस वगैरह, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना तो आप लोगों को एग्जाम में इजी रहे। तो देखो जैसे कि हम लोग एक और पेज ऐड कर देते हैं, यहां पर एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, इसके अंदर एक सेंटर होगा और इसी सेंटर में किसे दो रेडियस निकल रहे होंगे इन दिस वे, ओके, तो ये रेडियस आर, ये रेडियस आर हो जाएगा। तो अगर मैं ये पार्ट को, कौन से, ये जो ग्रीन कलर की लाइन कर रहा हूं ना, ये पार्ट को अगर मैं अलग करता हूं ऐसे, तो ये पार्ट क्या दिख रहा है, ये पार्ट आपको दिख रहा है सर पिज्जा। क्या दिख रहा है बच्चा बाड़ी को पिज्जा बहुत पसंद आता है, मने को, मेरे को भी, मन ने भी भूख आवे, मन ने पिज्जा भूख आवे छे ना, तो पिज्जा जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे सेक्टर, ठीक है। अब सेक्टर किस चीज से बना हुआ रहता है, तो सेक्टर बना होता है भाई रेडियस से और एक आर्क से। तो दो रेडियस और एक आर्क से जो चीज बनती है उसको बोलते हैं सेक्टर। भेजे में घुसाड़ दियो, बराबर, भेजे में एकदम अच्छे से डाल देना। अब बात करते हैं, ये तो सेक्टर की बात हो गई, तो उसके फॉर्मूला की बात करेंगे। तो इसमें भी दो पार्ट गिरेंगे बच्चा पार्टी, एक गिरेगा माइनर
और दूसरा गिरेगा मेजर। जब तक क्वेश्चन में नहीं बोला हो तब तक क्या करने का, माइनर निकालने का। तो भाई एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, सो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। दूसरी बात करते हैं मेजर सेक्टर की, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या है बच्चा बाटी, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का फॉर्मूला है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। आ कई रीते हारू, है ना, डाउट आएगा आ कई रीते थी। तो देखो पूरा सर्कल है उसमें से इतना पार्ट निकाल दिया, जैसे कि मैं आपको इरेज करके बताता हूं, पूरे सर्कल में से देखो तो बचा कितना, ये पार्ट बचा एक ही मिनट, एक मिनट, थोड़ा यहां ऐसे भी बचेगा, ये ऐसे है ना, तो ये पार्ट का एरिया किसको, ये पार्ट हो जाएगा मेजर, ये रहा उसका टुकड़ा माइनर। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पूरे सर्कल में से ये छोटा वाला टुकड़ा मतलब माइनर सेक्टर माइनस कर दो, मतलब एरिया ऑफ सर्कल माइनस क्या करना पड़ेगा, माइनर सेक्टर, तो आपको क्या मिल जाएगा, मेजर सेक्टर। इना पच्ची आवे पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, क्या आता है भाई, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर मतलब क्या, एडिशन ऑफ ऑल द साइड, मतलब आर प्लस एल, रेडियस प्लस लेंथ, मतलब कितना हो जाएगा 2R प्लस L, कितना आ जाएगा 2R प्लस L, ठीक है, मतलब दो रेडियस और एक लेंथ का क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, रेडियस प्लस लेंथ, लेंथ मतलब कौन सी, लेंथ ऑफ आर्क। अब देखो लेंथ ऑफ आर्क में इस फॉर्मूला को और सिंप्लीफाई किया है, अब आपकी बुक में कभी कभी मिल जाएगा, नहीं तो बोलोगे आ साहब हारू बनाए हो ना, ये बग्गा मराए वाचे, बनाई दो भाई बताई दो। देखो इस फॉर्मूला को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, पाई आर थीटा अपॉन 180 इंटू आर अपॉन 2, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। अब देखो क्या किया, पाई पाई एज इट इज है, आर स्क्वायर का मैंने एक आर्क और एक आर्क को अलग किया है, थीटा एज इट इज और 180 इंटू 2। अब देखो पाई आर थीटा अपॉन 180, पाई आर थीटा अपॉन 180 क्या होता है, एल होता है, तो एल आर अपॉन हाफ, आपकी बुक में ऐसा दिया होगा, हाफ आर एल आपकी बुक में दिया होगा, कहने का मतलब ये जो पाई आर थीटा था ना उसकी जगह पर एल लिख दिया और ये आर एज इट इज और हाफ। ये फॉर्मूला भी कभी कभी काम में आ जाएगा, कब आएगा साहेब, तो भाई आउसे तेरा 22 बराबर एमसीक्यू में बता रहे काम आउसे आ। तो ये था हमारा सेक्टर, किसके बारे में था, बच्चा बड़ी ये सब था सेक्टर के बारे में। नेक्स्ट है एंगल ऑफ सेक्टर, साहेब आ हूं, तो भाई तुमने किसी ने मुझे पूछा भी नहीं, पूछोगे कैसे यार वीडियो में हो, सॉरी थीटा के बारे में नहीं पूछा, सर ये थीटा क्या होता है, थीटा है ना ये होता है, थीटा ये होता है एंगल, इस एंगल को हम लोग थीटा बोलते हैं, थोड़ा लाल लाल करेंगे विमल के जैसा, इसको थीटा बोलते हैं, और ये थीटा को ही हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ सेक्टर। तो देखो उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, ये जो एंगल बनता है उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या बोलती है, द एंगल विद द करस्पॉन्डिंग आर्क सेक्टर सबस्टेन एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एंगल ऑफ सेक्टर। क्या बोलेंगे, जिस एंगल पर वो सबस्टेंड हुआ है, लेकिन कहां पर, द एंगल विच इट सबस्टेन द सेक्टर, लेकिन कहां पर, ओनली ऑन सेंटर, सिर्फ ये एंगल कहां पर बन सकता है, सेंटर पे। अगर मान लो आपने ऐसा एक सर्कल लिया और फिर आपको कोई ऐसी फिगर दी है, तो इसको सेक्टर नहीं बोलेंगे, इसका थीटा सेंटर पे नहीं है, सेंटर यहां है, मतलब अगर वो सेंटर पे बनता है तो, मतलब ये ऐसा, मतलब इस पार्ट को अगर वो सेंटर पे बनेगा तो ही क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ सेक्टर। इसलिए यहां पर लिखा है सबस्टेन एट द सेंटर ओनली इज कॉल्ड एंगल ऑफ सेक्टर। लास्ट है सेगमेंट, द पोर्शन ऑफ सर्क्यूलर रीजन बाउंडेड बाय आर्क, ध्यान देना एक आर्क है, एंड द कॉर्ड जॉइनिंग द एंड पॉइंट्स ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सेगमेंट। मींस देखो हमारे पास एक सर्कल है, एक सेंटर है और यहां पर एक कॉर्ड है,
तो ये जो भाई ये पार्ट बनेगा ना, एक कॉर्ड और एक ये पार्ट इसको हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो रीजन है, थोड़ा ब्लैक लाइनिंग से दिखाता हूं, ये वाला रीजन, ये जो रीजन है उसको हम लोग बोलेंगे सेगमेंट। क्या बोलेंगे? बच्चा बाटी, बच्चा बाटी इसको बोलेंगे सेगमेंट। आता काय करायचं, सेगमेंटचे भी दोन पार्ट येईल, कुठलं कुठलं, मायनर सेगमेंट आणि मेजर सेगमेंट। कौन से दो पार्ट आते हैं? मायनर आते हैं और मेजर आते हैं। येत आहे सगळ्यांना, कळलं काय? अब दोनों पार्ट के क्या निकलेंगे? बच्चा बाटी वापस निकलेंगे, एरिया। देखो कॉन्सेप्ट बहुत, मतलब समझ में आ जाएगा ना तो सम करने में तो तगड़ा मजा आने वाला है, एकदम भारी मजा आएगा। तंदूरी चिकन खाएंगे वहां पर हम। तो देखो, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अल्लाह साहेब, आनो फॉर्मूला हूं वैसे। तो देखो फॉर्मूला सिखाता हूं। देखो इसको मैंने नाम दिया है वाटरमेलन, है ना? कैसा लगेगा? वाटरमेलन। बिकॉज देखो तरबूज के टुकड़े जैसा है, किसी को पसंद नहीं आता है, किसी को पसंद होता है। मेरे जैसा बंदा होगा तो बोलेगा तरबूज नहीं पसंद, हालांकि साइंस में बोलते हैं उसको खाना चाहिए, मुझे नहीं पसंद आता है। कंटेन हाई अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन एंड वाटर, वो सब जो भी होता है गर्मी की सीजन में। देखो तो अगर मैं ये पूरा एरिया ऐसे बनाता हूं, ठीक है, ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट। तो ये क्या हो गया साहब? आने तो सेक्टर के भाई, अत्यारे तो तमाम एग्जैक्टली करेक्ट। और उसी सेक्टर में अगर मैं एक कॉर्ड डाल दू, उसी सेक्टर में अगर मैं कॉर्ड डाल दू तो वो क्या, ये पार्ट क्या हो जाएगा? थोड़ा लाल कलर करेंगे, ये पार्ट क्या हो जाएगा? सेगमेंट हो जाएगा। अब मैं क्या बताने की ट्राई कर रहा हूँ वो समझो। देखो मैं क्या बताने की ट्राई कर रहा हूँ वो समझो। देखो मैंने यहाँ सर्कल में भी क्या, मैं ये चीज बता रहा हूं कि कोई भी सेक्टर होता है ना, वो सेगमेंट और ट्रायंगल से बना होता है। मतलब जो सेक्टर होता है उसका है, देखो एक ट्रायंगल है और दूसरा उसका पार्ट क्या है, ये वाटरमेलन है। तो मान लो मुझे तो सिर्फ इतना पार्ट पता करना है, कितना, ये पार्ट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो पूरा सेक्टर है ना, ये पूरा एक सेक्टर है। ये देखो मैं यहां पर बनाता हूं, ये पूरा एक सेक्टर है। तो पूरे सेक्टर में से मैं ये ट्रायंगल को माइनस कर दूंगा तो मुझे ये जो बचा हुआ पार्ट है, ये नीचे वाला, उसका एरिया मिल जाएगा। तो इनकेस अगर मुझे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फाइंड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ माइनर माइनर सेक्टर, मतलब मुझे माइनर सेक्टर में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना पड़ेगा। समझे बच्चा बाटी? सॉरी, एरिया ऑफ क्या निकालना पड़ेगा? माइनर सेगमेंट तो हम लोग फाइंड कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना पड़ेगा। कहने का मतलब पूरा जो था वो सेक्टर था, उसमें से सपोज ये पूरा, देखो ये पूरा सेक्टर है, उसमें से सपोज मैंने ऊपर का ये वाला ट्रायंगल निकाल दिया तो नीचे का पार्ट क्या बचेगा? सेगमेंट बचेगा। इन शॉर्ट अगर मुझे सेगमेंट निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो पूरा सेक्टर है उसमें से ट्रायंगल माइनस करना पड़ेगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, सेगमेंट मिल जाएगा। ठीक है, एक काम करता हूं, मैं ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल नहीं, लिख के दिखाता हूं ताकि आपको दिमाग में ठस जाए, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, और दूसरा आता है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। क्या है बच्चा बाटी? हो मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट कैसे निकालोगे? सिंपल है यार, देखो पूरा सर्कल है, उसमें से छोटा वाला पार्ट निकाल दो, मतलब ये पार्ट निकाल दो। रब कर देता हूं आपको, बताता हूं किटले गेला किटे गेला, इरेजर, हाँ इरेजर आएगा। देखो तो बचेगा ऊपर का पार्ट, क्या हो जाएगा? मेजर हो जाएगा। तो क्या करने का, पूरे सर्कल में से, मतलब एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, मतलब नीचे का पार्ट क्या कर देने का, माइनस कर देने का, टेंशन नहीं लेने का। जो ભાઈ આ બધું તમને અગર નોટ્સ ફોર્મમાં જોતું હોય, જે મેં સ્ક્રીન પર લખેલું છે, સમજવા માટે ઘડી ઘડી જરૂરત પડે છે, વિડીયો જોવો પડશે, પણ સાથે સાથે આની પીડીએફ જોતી હોય તો જઈને મારી ટેલિગ્રામ ચેનલ જોઈન કરો, જેનું નામ છે ક્રિએટિવ એજ્યુકેશન ક્લાસીસ। ક્યા બોલા ગુજરાતી મેં? કિસી કો અગર યે નોટ્સ ચાહીએ, ઇફ યુ આર ઇન નીડ ઓફ ધીસ ટાઈપ ઓફ નોટ્સ, ગો એન્ડ જોઈન માય ટેલિગ્રામ ચેનલ હુઝ નેમ ઇઝ ક્રિએટિવ એજ્યુકેશન ક્લાસીસ, ताकि आपको ये पूरा कॉन्सेप्चुअली नोट्स आपको मिल जाएगी, साथ ही साथ पूरे मैथ्स में जितने फॉर्मूलाज है उसकी शीट भी आपको मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए
एक्सरसाइज 12.2 चालू करते। बद्दा फॉर्म्यूला दिमाग में याद रखो, कैलकुलेशन तुम्हारे करनी पड़से, हूँ खाली तुमने दिशा बताई दईस। दिशा एटले छोकरी नहीं, कई डायरेक्शन में वर्क करने है। इन विच डायरेक्शन यू आर गोइंग टू वर्क दैट आई एम गोइंग टू शो इन दिस। मने इंग्लिश आवड़े छे यार, आई एम इंग्लिश टीचर, ओके, मतलब इंग्लिश मीडियम थी छू। पण देखो एक्सरसाइज 12.2, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर, एंगल ऑफ सेक्टर 60। देखो रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, है ना। रेडियस कितना है, रेडियस है 6 सेंटीमीटर। थीटा कितना है, थीटा है 60। सो भाई सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, हम लोग को निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ठीक है, तो भाई पाई की वैल्यू नहीं बोलिए तो कितनी लेने की, 22/7 इंटू रेडियस कितना है 6 × 6। थीटा कितना है, थीटा है 60 अपॉन कितना हो जाएगा 360। शून्य शून्य गईला, 6 × 1 = 6, 6 कट, है ना। ये तो बहुत इजी हो गया शायद, बहुत इजी है। 6 × 2 = 12, 1 कैरी, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना आ जाएगा, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स इट गाइस, ये अपना आंसर है, बहुत ही इजी था। अब साहब आज 4 मार्क्स भाई, 1 मार्क्स ये 4 मार्क्स में नहीं आता, ये 1 मार्क्स में आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। हम लोगों को क्या दिया है, हम लोगों को दिया है सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस कितना दिया है हमको, सर्कमफेरेंस दिया है 22 सेंटीमीटर, और बोला है फाइंड करो क्वाड्रेंट सर्कल, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट सर्कल। क्या है क्वाड्रेंट सर्कल, मैंने आपको समझाया था एक सर्कल के 4 पार्ट है ना स्टार्टिंग में, जरा प्रीवियस स्लाइड पर लेके जाता हूं। टिचिक 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 आ गया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट सर्कल। ये देखो ये फॉर्मूला जो बताया थे वो, टिचिक 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 टिचिक, चल 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 फटाफट चल रहा है, कितना आ गया, आ गया। हाँ तो सर्कमफेरेंस, तब भाई क्वाड्रेंट सर्कल क्या है, 1/4, मतलब 4 पार्ट गिरे थे एक सर्कल के, इसलिए 1/4 पार्ट। तो भाई सर्कमफेरेंस से हम लोग को क्या फाइंड करना पड़ेगा, रेडियस फाइंड करना पड़ेगा, बिकॉज सर्कमफेरेंस है। कितने बालक मेरे जैसे निकलेंगे, डायरेक्ट 22 रखेंगे, आंसर नहीं बेसतो साहब। हाँ साहब कीधु नहीं आणो हूँ करवा भाई, पहला जो आपेलू शू है, सर्कमफेरेंस आपेलू है। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला है 2πr = 22। हमेशा याद रखने का, जो दिया है ना उसका फॉर्मूला लगा दो तो कितना हो जाएगा, 2 × 22/7 × रेडियस पता नहीं = 22। सो रेडियस इज इक्वल टू 22 × 7/2 × 22, 22 कट। सो कितना आ जाएगा, r = 7/2 सेंटीमीटर। रेडियस कितना आ गया बच्चा पार्टी आ गया 7/2 सेंटीमीटर। इसी के साथ अपने नेक्स्ट जो चलते हैं, यहां पर अगर मैं बात करूं, सो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट सर्कल, क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल वो भी चलेगा, क्वाड्रेंट सर्कल भी चलेगा। सो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट सर्कल का फॉर्मूला क्या है, 1/4πr². सो 1/4 × 22/7 × रेडियस कितना है, रेडियस आया है 7/2। देखा मैंने कट नहीं किया, मैंने जानबूझ के नहीं किया, बिकॉज आई वाज नोइंग दैट कि मेरे को आगे जाके इसका काम पड़ जाएगा। 7 7 कट, 2 1 2 11 सा, तो कितना आंसर आ जाएगा, 11 7 78, 4 2 8 कितना आ गया, 78/cm². अबे डाउट आउसे ला साहेब, अत्यारुधी तो तुम्हें पॉइंट मा काढ़ा, अबे बे प्रश्न थी तुम्हें आंसर काढ़ा, ये सारा पीक्यू फॉर्म में काढ़ा, एनु रीजन कई, बका रीजन कई नहीं, रीजन कुछ नहीं है। रीजन एटलू है कि भाई जे बुक छे ने, जे टेक्स बुक, इनी पाछर तमे जो आंसर करो पॉइंट में नहीं, हारू पीक्यू फॉर्म में छे, नेम आपणे पीक्यू फॉर्म में नहीं लखू, ने आपणे पेला हूँ गई पॉइंट में काढ़ी आऊँ तो भी चाल से, तो भी चलेगा, इट विल वर्क आउट नो प्रॉब्लम इफ यू फाइंड योर आंसर इन द डेसिमल सिस्टम। कोई मार्क्स नहीं खा जाएगा, आपका करेक्ट ही है। ये तो टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया था इसलिए मैंने ऐसे रख दे रहा हूं, ठीक है। बाकी ऐसा कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है कि ऐसा ही निकाला। चलो आगे चलते हैं।
The length of a minute hand clock is 14 cm. Find the area swept by the minute hand clock in 5 minutes. पहला तो मिनिट हैंड क्लॉक कही दो, पहले काटो जब फरतो रहे ने, दर 5-5 मिनिटे आपने खबर पड़े, 7-10-7 तोड़ काटो है, एक तो कंटिन्यू फरतो है, ए सेकंड नो काटो है, एक जे नानो काटो है ने, एक कलाक नो है, ने जे पहले एम 5 मिनिट पछी हिला करे ने, एम टकक टकक 1-1 मिनिट पछी एम एम थिया करे, एने कहेवाय मिनिट हैंड क्लॉक, बराबर उसको बोलते हैं मिनिट हैंड क्लॉक जो धीरे धीरे गिनता है। तो उसमें ऐसा है कि मिनिट हैंड क्लॉक का जो लेंथ है ना वो 14 है, मतलब आपका जो रेडियस है ना यहाँ पर 14 है। अब वो लोग बताने की क्या ट्राई कर रहे हैं तो मैं आपको समझाता हूं। अहीं 12 लखी दो, 6 लखी दो, 3 लखी दो, 9 लखी दो। मान लो आपने जब पढ़ना मेरा वीडियो देखना चालू किया तो 9 बज रहे थे, बिकॉज मेरा 9 बजे आता है। थोड़ी देर के बाद गए तो 9 ने 5 हो जाएगी, ये 9 ने 15 कर दी थी शायद, तुम्हें 9 ने 5 हो जाएगी बराबर थोड़ी देर के बाद, ऐसा समझ लेते हैं। तो जो 5 मिनट में एरिया स्वेफ्ट हुआ ना वो आपका क्या बनेगा, वो बनेगा क्या बोलते हैं, देखो इसको ऐसा 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 है ना, तो ये जो हुआ ना ये आपका कौन सा, पिज्जा का टुकड़ा, और पिज्जा के टुकड़े को क्या बोलते हैं, पिज्जा के टुकड़े को बोलते हैं सेक्टर। देखो तीन चीज समझाइए, स्माइल, पिज्जा और वाटरमेलन। स्माइल सबको आती है, पिज्जा सबको पसंद आता है, वाटरमेलन किसी को अच्छा लगता है किसी को नहीं लगता है। चलो तो ये जो पिज्जा का टुकड़ा का है ना वो सेक्टर है। अब ये जो सेक्टर है बच्चा पार्टी, इसमें हमको बोला है कि 5 मिनट में कितना एरिया स्वेप्ट हुआ, मतलब 5 मिनट में कितना एरिया कवर हुआ। अब उसके लिए थीटा दिया नहीं है, उसके लिए हमारे पास थीटा दिया नहीं है, तो थीटा कैसे निकालोगे। तो थीटा निकालने के लिए देखो आपको सिखाता हूं, यहां पर ध्यान दो, थोड़ा रफर करेंगे। थीटा इज इक्वल टू, सॉरी, जब 60 मिनट होता है, जब 60 मिनट होता है तो 360 हो जाता है ना, पूरा 360 होगा। तो भाई 5 मिनट होगा तो कितना, तो देखो क्या करना पड़ेगा, यहां पर लिखेंगे एंगल ऑफ थीटा इज इक्वल टू, थीटा इज इक्वल टू 360 इंटू 5 अपॉन 60, मतलब ये जो रेड कलर में क्वेश्चन मार्क है ना वो आपका थीटा है ना, ये थीटा है, ये थीटा है, थीटा यहां जाके मल्टीप्लाई हुआ, तो मल्टीप्लाई हुआ तो डिवाइड में आ जाएगा 60 और ये मल्टीप्लाई हुआ। तो अब अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे 00 कट है ना, 00 कट मैंने बराबर किया ना, 60 मिनट में 360 घूमता है, हाँ 00 कट, ये हो जाएगा 61 जा, ये हो जाएगा 6 जा, तो थीटा कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा 30, मतलब हर 5 मिनट में वो दोनों के बीच में एंगल कितना होता है, वो दोनों के बीच में एंगल होता है 30 डिग्री। अब बच्चा लोग आगे चलते हैं, आगे है एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर मतलब वही मैंने आपको जैसे समझाया, वो 2 क्लॉक के बीच में कौन सा एरिया बनेगा, पिज्जा का टुकड़ा, पिज्जा का टुकड़ा मतलब सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, तो भाई 22 अपॉन 7 इंटू ए रेडियस कितना है 14 इंटू 14 इंटू 30 अपॉन कितना हो जाएगा 360। 00 कट, 71 जा, 72 जा, 31 जा और ये 312 जा, 21 जा, 26 जा, 63 जा और ये हो जाएगा 7 जा, ठीक है। मतलब बचेगा क्या, साहब बोर्ड कैलकुलेशन थे, हाँ जरा बता रहे थे, जो बचेगा क्या 22 इंटू 7 अपॉन कितना हो जाएगा 3, 22 इंटू 7 अपॉन 3 तो कितना आ जाएगा 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई पी क्यू फॉर्म में ही दिया है तो इसको पी क्यू फॉर्म में ही चलाओ ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। सो आई होप आप लोग को ये वाला सम भी समझ में आया होगा। ओके बच्चा बाड़ी, आगे चलते हैं, आगे इस बारे में बात करते हैं। तो देखो आगे क्या है, फोर्थ में, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल रेडियस 10 सेंटीमीटर सबस्टेंस द राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया करस्पॉन्डिंग टू माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर, यूज पाई, साला पी कहां से आ गया यहां पर, पाई आएगा, रुक जाओ, पाई इज इक्वल टू 3.14। देखो क्या बोला है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल रेडियस 10 सेंटीमीटर, जैसे एक डायग्राम अपने दिमाग में कुछ बना लेते हैं कि हमारे पास ये सर्कल होगा, ठीक है, जो 90 डिग्री पर है, मतलब जो सबस्टेंड एंगल एट द सेंटर, देखो लिख कर दिया मैंने, बोला था सेंटर का एंगल आना चाहिए। फाइंड द एरिया करस्पॉन्डिंग टू माइनर सेगमेंट, सेगमेंट मतलब क्या, वाटरमेलन, इसलिए मैंने आपको याद रखने के लिए सेगमेंट वाटरमेलन, सेगमेंट वाटरमेलन, सेगमेंट वाटरमेलन, सेक्टर मतलब पिज्जा का बड़ा टुकड़ा, मतलब ये पिज्जा का बड़ा। तो इन शॉर्ट आपको सब में
सब कुछ फाइंड कर देना है। तो देखो ये कैसे करोगे, क्या करोगे, तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो आपको रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आप लोग को थीटा कितना दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है द एरिया ऑफ राइट एंगल इज 90 डिग्री। सबसे पहले कुछ होना हो सेक्टर निकाल लेते, बिकॉज देखो माइनर सेगमेंट के फॉर्मूला में भी सेक्टर आने वाला है और मेजर सेक्टर के फॉर्मूला में भी सेक्टर आने वाला है। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना, फॉर्मूला क्या है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई कितना है बच्चा बाटी, पाई है 3.14 इंटू टेन। थीटा कितना है, थीटा है 90, अपॉन कितना हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा 360। 0 0 कट, 9 1 9 4 100 ही पॉइंट हटाएगा, मतलब 314 अपॉन कितना आ जाएगा, 4। 314 अपॉन कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो कितना आएगा, 4 7 28 होता है, तो कितना आंसर आ जाएगा, 4 7 28 और कितना बचेगा, 28 3 बचेगा, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको डिवाइड करके देखना तो 78.5 आएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपको पूछा है, देखो यहां पर नाम दे देते हैं ओ ए बी, सेगमेंट है मतलब माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। फॉर्मूला दिमाग में बैठना चाहिए, फॉर्मूला तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना पड़ेगा, तो 10 और 10 है ना। तो मैं सीधी बात बता दूं, आजू बाजू 10 है मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 1/2 product of sides forming right angle। सर ये कई रीते थी आयु, तो भाई आमा एवं है कि जो राइट एंगल होता है ना वो उसके जो आजू बाजू वाली साइड होती है, ये वाली जो साइड होती है इस साइड को हम लोग बोलते हैं 90 डिग्री के साइड, मतलब जो साइड वो 90 डिग्री बनाती है, मतलब जो साइड बना, मतलब हाइपोटेन्यूस को छोड़ के बाकी दो साइड। हमेशा याद रखना ये एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 90 डिग्री है तो ऐसे फाइंड होगा। सो हाफ इंटू ओ ए इंटू क्या हो जाएगा बी, सो हाफ इंटू 10 इंटू 10। सो कितनी एनआर है लेकिन एनआर तो मेरे को लाइन कहाँ चली गई मेरी, हाँ ये रही। तो इसका आंसर आ जाएगा 50। कैलकुलेशन करोगे पता करोगे 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लेकिन ये नहीं चाहिए हमको, तो क्या चाहिए हम लोग को, तो चाहिए बच्चा लोग हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए माइनर सेगमेंट। सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या था, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। सो भाई एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना है, 78.5 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है, 30। सो दिस नहीं 30 नहीं है सॉरी इट्स लाइक 50। तो अगर हम माइनस करेगा बच्चा तो 38.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 38.5 आएगा ना, नहीं 28.5 आएगा। क्या रे बच्चा बाड़ी, कमेंट में जोता रहे जो बराबर खोटू वोटू नहीं थी जाए, पड़े प्लस माइनस उच्चा पड़े तो जोई लेवानू, एवं कहीं लाखवानू नहीं आपड़े, घरना अच्छा पड़े। तो 28.5। चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है भाई मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए, मेजर सेक्टर फाइंड आउट करने के लिए चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल मेजर सेक्टर फाइंड आउट करने के लिए एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो आपको क्या चाहिए, एरिया ऑफ क्या चाहिए, सर्कल चाहिए। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर 3.14 गुणिया 10 10, तो बहुत इजी है, 314 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना आ जाएगा,
314 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो देयरफॉर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर. देखो ये सारा फॉर्मूला का खेल है बच्चा लोग. अगर फॉर्मूला इधर उधर तिथर बिथर फिरेगा तो नहीं चलेगा. तो एरिया ऑफ सर्कल कितना है, एरिया ऑफ सर्कल है 314 माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना था, 78.5. कितना है, 78.5. तो बच्चा पार्टी अगर आप इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. देखो मैंने ना सॉल्व करके रखा हुआ है ताकि वन शॉट में ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, बिकॉज ऑलरेडी काफी टाइम जा चुका है, मेरे ख्याल से एक घंटा ऊपर निकल गया होगा. 235.35. ओके चलो फिफ्थ सम पर आ जाते हैं. इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर सबस्टेंस एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड. बहुत सारी चीजें फाइंड करनी है, एट्टुलू बधु फाइंड करवानु छामा. तो देखो कैसे करोगे, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताऊंगा. रेडियस कितना हो जाएगा, 21 है ना, 21 ध्यान थी 21 सेंटीमीटर. थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 60. फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क मतलब एल. नेक्स्ट आता है सेक्टर सेगमेंट, ठीक है. तो देखो सबसे पहले लेंथ ऑफ आर्क से चालू करते हैं, पहला ही चालू करते हैं लेंथ ऑफ आर्क. सो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या है, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है पाई आर थीटा अपॉन कितना हो जाएगा, 180. सो पाई कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा 22/7. यहां तो बोला नहीं है इसलिए आप कुछ भी लगा दो. रेडियस कितना है, रेडियस है 21. एल कितना है, L तो ये रहा मतलब वही. थीटा कितना है, थीटा है 60 अपॉन कितना हो जाएगा, 360. 00 कट, 6 1 जा 6 जा, 7 1 जा 7 3 जा, 3 1 जा 3 2 जा, और ये कितना हो जाएगा आपका 2 1 जा. एक मिनट, रेडियस 21 सेंटीमीटर पाई आर थीटा अपॉन 180. सॉरी यहां पर देखो एक गलती हुई है बच्चा पार्टी मेरी, अरे सॉरी पूरा नहीं उठाना है, ये रहा देखो यहाँ गलती है. मैंने 360 लिखा था, मैं वही सोच चुके 11 सेंटीमीटर का ही आई, अपनी स्माइल इतनी छोटी क्यों आई, है ना. लेंथ ऑफ आर्क को हम लोग स्माइल बोलते हैं. तो रेडियस कितना हो जाएगा, 21 into 60. देखो मेरी मिस्टेक हुई थी यहाँ, 180 लिखना कितना था, 180, मैंने लिखा कितना, 360. शून्य शून्य कट, 6 1 जा 6 3 जा 7 1 जा 7 3 जा 3 3 कट. देखो कंपैरेटिवली थोड़े कैलकुलेशंस भी आपको यहाँ पर इजी देखने को मिल रहे हैं. तो L कितना आ जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क आ गया 22. नेक्स्ट क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, मतलब उस आर्क की वजह से एरिया ऑफ सेक्टर कितना होगा. तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360. पाई का वैल्यू क्या आया है, का 22/7. रेडियस 21 गुणिया 21 साहेब, और ये 60 साहेब ना, प्लस 360. 6 1 जा 6 0 0 कट, और 6 6 जा 7 1 जा 7 3 जा 3 1 जा 3 2 जा 2 1 जा 2 11 जा. जेटलू कट है ना, बड्डू कट करना खानो जो वानोज नहीं गया अगर. तो 11 गुणिया 21, तो 11 गुणिया 21 कितना हो जाएगा, 231. देखो ये बहुत इजी ट्रिक है, मेरे पास इसका ट्रिक है. 11 और दो डिजिट वाला नंबर हो ना तो प्लस कर देने का, 2 + 1 3, 3 को बीच में बिठा के दोनों के बीच में स्प्लिट कर देने का, मतलब 2 और 1 आजू बाजू लिख देने का. तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर आ गया 231. नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा क्या छे भाई, हमारे पास यहाँ बुक में जो लो, एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट निकालना है बच्चा लोग. सेगमेंट तो सेगमेंट का फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर, निकाल दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल बाकी. अब ट्रायंगल निकालने के लिए हमें फिगर चाहिएगी, तो मैं है ना जरा स्टार्टिंग में एक्चुअली बनानी होती है, जरा स्टार्टिंग में आपको बना देता हूं यहां साइड पर. देखो मान लो एक सर्कल, ठीक है, उसके अंदर एक सेंटर और ये रेडियस और ये ट्रायंगल, और हमको पूछा है ये वाला,
ये, सो ये ओ ए बी, ठीक है, ओ ए बी। सो बच्चा पार्टी, अब अगर आप जानते हो ये अपने पास ट्राइंगल है, ये अपने पास ट्राइंगल है, तो कैसे करेंगे? साहब आनो तो कोई खबर नहीं, I21 6 I21 6 60 6, तो देखो बहुत इजी है, कैसे करोगे यहां ध्यान देना, बताता हूं। इन ट्राइंगल है ना, आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूव कर देते हैं, कैसे प्रूव करते हो मैं सिखाता हूं। इन ट्राइंगल ए ओ बी, ठीक है, आपके पास दो ओ ए इज इक्वल टू क्या है, ओ बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी कितना है, ये है 6, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी कितना है 21 सेंटीमीटर। अब अगर साइड्स इक्वल है तो एंगल भी इक्वल हो गया, मतलब एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल बी। अब आपको पता है कि तीन एंगल का प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180 होता है। एंगल ओ कितना है, एंगल ओ है 60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 प्लस एंगल बी, और ए की जगह पर भी मैं क्या लिख देता हूँ, बी। क्यों ए की जगह पर मैं बी लिख देता हूँ, बिकॉज बी के बराबर ही है ए। सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस कितना हो जाएगा 60। सो ये कितना हो जाएगा 2 एंगल बी। इतना सारा है ना बुक में नहीं होगा, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ, बाकी ऐसा मत बोला साहब बग्गा मराएवा, आ तो बधु बतावा माटे बताऊ पड़े। बाकी तमने एम डायरेक्ट भी लखी दो ने कि बे एंगल सेम छे ने बन्नेनो मेजरमेंट साइड साइड वेचाई जशे तो पण चालशे, कोई मार्क्स नथी कापी लेवा। आ तो तमने केवी रीते आव्यो एम जरा डिटेल एक्सप्लेनेशन एम मारो इच्छा थाय तो एम करी दी आपणे कोई वखत। एम 60 तो एंगल बी कितना आ गया 60, एंगल सी बी कितना आ गया, एंगल ए बी कितना आ गया 60। अब देखो सब कुछ 60, इधर उधर सब 60, तो अगर सब कुछ 60 है तो इसका मतलब ये ट्रायंगल कौन सा है, देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या हो जाएगा, इट्स लाइक इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल, सो इसको थोड़ा पूरा लिखो, ऐसा नहीं चलेगा, साइन लगती है। सो भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, सो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब डायरेक्ट ट्रायंगल एओबी ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं, √3/4 side square, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का। साहब यहां साइड्स का ही तो साइड्स बाय वो जो 21 है ना वही आपकी साइड्स है, सो कितना हो जाएगा √3/4 × 21 square, सो कितना आ जाएगा 441, कितना आ जाएगा 441 √3/4, ठीक है, ये आ गया। अब हमारे पास यूनिट डाल दो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये पी आ गया। अब क्या बच्चा साहेब, अवे बच्चू भाई सेगमेंट, तो एरिया ऑफ सेगमेंट वो कह रही है ना पढ़ाने, तो एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू कौन सा सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, वो लिख देते हैं, जब तक बोला नहीं हो तब तक माइनर चलाने का। क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, थोड़ा डायरेक्ट लिखा हूं, बहुत टाइम हो गया आपने बहुत खींचा आज तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ गया था बच्चा पार्टी, एरिया ऑफ सेक्टर कितलू आवेलू 231 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कितलू आवेलू 441 अपॉन √3/4। अबे आनु कई सॉल्व नहीं था, इसका आंसर ऐसे ही लिख दो सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज ये रेशनल है और ये वाला इरेशनल है। साहब एलसीएम लेवाए बद्दू लेवाए जे लेवो इते कराए पण हमरा कई काम नथी। तो ये हो गया आपका फिफ्थ सम कंप्लीट हुआ। अब आते हैं सिक्स सम पे, तो सिक्स सम में क्या करोगे बच्चा लोग, यहां पर भी पाई कर देना। देखो पूरा सम सेम है, सब कुछ सेम है, कोई ज्यादा धटिंग वटिंग नहीं है इसके अंदर। मैं आपको बता देता हूं रेडियस आपको कितना दिया है, रेडियस आपको 15 सेंटीमीटर दिया है, एंगल कितना दिया है थीटा 60 दिया है, इन शॉर्ट बाकी सारे थीटा भी कितने हो जाएंगे 60 हो जाएंगे। फाइंड द एरिया ऑफ माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स, सिंपल है, सर्कल ये सेंटर लेना बच्चा पार्टी, ठीक है, एक खुद ट्राई करो बिकॉज बद्दू अगर हूं पीरसी दे तो कोई फर्क नहीं पड़े, ठीक है। तो भाई सबसे पहले आप लोग निकालोगे एरिया ऑफ, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं सारे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला रखना क्या आता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ठीक है, तो आपको उससे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर मिलेगा। फिर आप निकालना एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल
रूट थ्री अपॉन फोर साइड स्क्वायर। अब एक चीज और यहाँ ध्यान रखने जैसी है कि जो भी फाइनल आंसर आएगा, जैसे कि मान लो यहाँ फाइनल आंसर आया तो रूट यानी यहाँ तो हमने रूट थ्री नहीं रखा, लेकिन अब क्या होगा बच्चा पार्टी, यहाँ जैसे आप 15 रखोगे तो 225 अपॉन 3 अपॉन 4, तो आप लोग ये रूट थ्री है ना उसकी जगह पर 1.73 रख देना और फिर मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। नहीं आता है तो डोंट वरी, इसके पीडीएफ में मैं आपको उसका सॉल्यूशन भेजूंगा, लेकिन आप पहले खुद ट्राई करो, जब टेलीग्राम पर आएगा तब तो आपको इसका सॉल्यूशन मिल ही जाएगा, लेकिन खुद एक बार ट्राई करना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो यस सर लिखना, नहीं आ रहा है तो नो सर लिखना, फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और आपको मिल जाएगा। बिकॉज देखो खुद ट्राई करने से पता चलता है गलती कहाँ हो रही है। तो ट्राइंगल का एरिया निकालोगे और उसमें रूट थ्री रख दोगे, वो दोनों आ जाएगा, फिर ये दोनों का क्या कर देना, सब्ट्रैक्शन कर देना। सब्ट्रैक्शन क्यों, मतलब सब्ट्रैक्शन करोगे तो क्या मिल जाएगा, माइनर सेगमेंट। अब माइनर सेगमेंट आने के बाद क्या करोगे, एरिया ऑफ सर्कल निकालोगे। अब सर्कल का क्या काम है साहेब, तो सर्कल में एवं जयरे मेजर काढ़वा जसो त्यारे एरिया ऑफ सर्कल माइनस माइनर सेगमेंट चाहिएगा, तो माइनस करने के लिए क्या निकालोगे, एरिया ऑफ सर्कल। वो निकालने के बाद एरिया ऑफ सर्कल में से ये दोनों का जो सब्ट्रैक्शन किया, माइनर सेगमेंट का जो आंसर आया वो माइनस करना, तो क्या मिल जाएगा, मेजर सेगमेंट। ऐसे करके आप लोग सम को कंप्लीट करोगे। तो मेरे ख्याल से ये जो पूरा मैंने समझाया है वो आपको इजीली समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, जहां जहां मैंने कमेंट करने बोले भाई कमेंट करना, कंजूसी मत करना, और अपने जीएसईबी स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।